नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। और नायक में आज चर्चा करेंगे हम एक ऐसे फिल्म स्टार की जिनका नाम सुनते ही उनके चाहने वालों के चेहरे पर आ जाती है एक मुस्कुराहट। जी हाँ, बात कर रहे हैं नायक में आज हम गोविंद अरुण आहूजा की। समझे नहीं, गोविंदा है हमारे आज के नायक। नायक नायक जिन्होंने 165 से ज्यादा फिल्में की एंड जिन्हें जून 1999 में बीबीसी न्यूज ऑनलाइन के एक पोल ने दुनिया का 10th ग्रेटेस्ट स्टार घोषित किया। और दोस्तों, वो अवार्ड देने, उसकी सूचना देने और उसके बाद उनका एक इंटरव्यू लेने मैं ही पहुंचा था बंबई में उनके फिल्म सेट पर। तो आज बताऊंगा आपको मैं गोविंदा के स्ट्रगलिंग डेज के बारे में, कैसे विरार से आने वाला एक लड़का बन गया हिंदी फिल्मों का बड़ा स्टार। साथ ही बताएंगे आपको कि कौन था गोविंदा का फेवरेट स्टार, किससे वो सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड होते थे। और खास बात आज के इस एपिसोड की ये भी है दोस्तों कि ये ज्यादातर सवाल जो हमने पूछे हैं उनके जवाब आपको मिलेंगे खुद गोविंदा की जबानी। मुझे दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने इन सब बातों पर बड़े इत्मीनान से बात की थी। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और साथ में सुनेंगे आप गोविंदा की आवाज में कुछ बड़ी दिलचस्प बातें। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम और बात कर रहे हैं हम आज द वन एंड ओनली गोविंदा है हमारे आज नायक। गोविंदा के साथ कुछ साल पहले मैंने इंटरव्यू लिया था बीबीसी के लिए, बीबीसी बिग मुलाकात पर वो चला था। आज उसी के कुछ अंश आप दोबारा सुनेंगे। तो मैंने पूछा था गोविंदा से उनके संघर्ष के दिनों के बारे में, सुनिए क्या कहा था इस निराले स्टार ने। जितना याद है, स्ट्रगल मेरा 13 वर्ष की उम्र से स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैं तभी से काम करना चाह रहा था। 14-15 साल की उम्र में मैंने प्रोड्यूसरों के पास जाना भी शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, तुम बच्चे भी हो तो तुमको अभी काम नहीं मिल सकता, या किसी विशेष रूप से कभी कोई काम निकला तो मिलेगा। परंतु मुझे काम मिला 21 वर्ष की आयु में, जब मैंने बीकॉम कर लिया। मेरे आदरणीय मामा जी उदय नारायण सिंह जी, उनके घर में आके रहने लगा बीकॉम करने के बाद, और वहाँ से फिर स्ट्रगल करने लगा। रवि चोपड़ा जी ने मुझे पहला काम दिया, गोफी पेंटल जी के जरिए मेरी उनकी मुलाकात हुई। मुझे पहला चेक जो है 4,500 रुपये का मिला। 4,500 रुपये वो मैं लेकर उसमें मैंने कुछ साड़ी खरीदी मम्मी की, कुछ मिठाई के डब्बे और कुछ जो सारा जो है लेकर मैं अपने गांव पहुंचा। तो वो दिन मुझे अभी भी याद है अच्छी तरीके से। तो मेहनतामे का पहला चेक मिला था 4,500 रुपये का। उसके बाद गोविंदा की फीस के चर्चे तो 1990s और 2000 के पहले डेकेड में बड़े होते थे। आगे बताऊंगा आपको कि क्यों पड़ गया था गोविंदा का घर पे नाम चीची, क्यों उनका घरेलू नाम चीची था और क्यों उनकी कई फिल्में एंड होती थी नंबर वन के टैग के साथ, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन। क्या था इस नामकरण का सीक्रेट, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज ट्रूली, जिसके लिए कहा जा सकता है, द वन एंड ओनली गोविंदा की। गोविंदा ने कई हिट सुपरहिट फिल्में दी हैं, लेकिन उनकी कुछ फिल्मों का नाम एंड होता था नंबर वन टैग के साथ, कुली नंबर वन, हीरो नंबर वन। तो क्या सीक्रेट था इस नामकरण का, क्यों उनकी फिल्मों के इस तरह से नंबर वन एंडिंग नाम रखे जाते थे, सुनिए खुद गोविंदा से। एक भाव मन में रहता है हमेशा, जो भी आदमी स्ट्रगल डेज से निकलता है वो भूल नहीं पाता उसे, और उसका एक अनसोचा दबाव आपके पर रहता है। आप उसे आपके बारे में सोचें, उस बारे में सोचें ना सोचें, लेकिन आपके दिमाग में रहता है वो भाव, तो वो हमेशा मन में रहा। तो कभी ये गलत फहमी नहीं हुई कि मैं हीरो नंबर वन हूँ या मुझे वही रहना चाहिए या होना चाहिए, और उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ। एक अच्छे शिष्य की भूमिका मैंने हमेशा निभाने की कोशिश की, जिसका मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ। सभी कलाकारों से भी काम करते वक्त मैं कुछ सीखता ही चला गया, और सीख सीख के अभी तक जो मैं आया हूँ वो बना।
पर एक बात जो मेरे और दिमाग में पहले ही आनी चाहिए थी और आ भी रही थी दिमाग, ये आपका नाम ये चीची कैसे पड़ा? मतलब पंजाबी में ये जो छोटी उंगली जो होती है जिसे हम कानी उंगली कहते हैं उसे चीची कहते हैं, और मैं पंजाबी हूँ और अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ। मेरे पिताजी ने ये नाम रखा और मेरी माँ मम्मी को बड़ा पसंद आता था, वो हर बार जो है वो एक कृष्ण भगवान की मूर्ति ले आके खड़ा करके लगा लेती थी जिसमें कानी उंगली के ऊपर उन्होंने एक पर्वत उठा रखा है, तो बोलते थे ये चीची जो है ये चीची बनेगा। तो देखिए बचपन में माँ ने जिस सोच के साथ नाम रखा उनका चीची, कहीं ना कहीं बड़े होकर चरितार्थ कर दिखाया गोविंदा ने। वो आगे बताऊंगा आपको कि क्या सोचते हैं गोविंदा उस टैग के बारे में जो जैसे उनके सक्सेसफुल फेज में उनके साथ चिपक सा गया था कि भाई ये तो गोविंदा टाइप फिल्म है। बताऊंगा आपको, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज ट्रूली, क्योंकि उनके जैसा तो कोई और हो ही नहीं सकता, द वन एंड ओनली गोविंदा की। तो गोविंदा खुद क्या कहते हैं अपनी इमेज के बारे में? आज से कुछ बरस पहले ये इंटरव्यू लिया था जब गोविंदा के साथ ये टैग खासा चिपका हुआ था, सुनिए। मैंने काफ़ी सीरियस फिल्में कर ली थी अपनी छोटी आयु में और वो करके मैं थक जाता था और मुझ पे उनके असर रहते थे पर्सनालिटी में मेरे, क्योंकि मेरी उम्र छोटी थी और मैं बड़ा डूब के काम करने में यकीन हमेशा रखता रहा हूँ। तो थकान के वजह से मैंने सोचा कि मैंने दिलीप अंकल का एक इंटरव्यू देख लिया कि उन्होंने उनको किसी डॉक्टर ने कहा था कि आप एंटरटेनिंग फिल्म कीजिए, कॉमेडी फिल्म कीजिए, आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। तो मैंने कॉमेडी फिल्में जो आई तो मैंने बड़ा उसको एंजॉय करके करना शुरू कर दिया और फिर वो बात जो है वो बात मैटर बन गई और वो मैटर जो है वो फिर वो इमेज बन गया। आगे बताऊंगा आपको लाखों करोड़ों के चहेते गोविंदा किससे सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड होते थे, कौन सा स्टार था उनका फेवरेट। कहीं जाइएगा नहीं, सुनिएगा खुद गोविंदा की जबानी उनके फेवरेट स्टार या स्टार्स की बातें। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारी खास पेशकश नायक। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम और बात कर रहे हैं हम आज द वन एंड ओनली गोविंदा की। जब मैंने उनसे ये पूछा कि उनके फेवरेट एक्टर कौन है, स्टार कौन है, तो इंसिडेंटली ना उन्होंने देवानंद का नाम लिया ना राजेश खन्ना का। सुनिए उनके पसंदीदा फेवरेट एक्टर्स के बारे में आप खुद गोविंदा से। एज एन हीरो धर्मेंद्र जी, जो सही माने में जब पर्दे पर आ जाए तो ना डायलॉग सुनो, ना गाना देखो, ना लोकेशन देखो, बस एक आदमी को देखो कि उस आदमी ने कितना अपने आप को सहजता में रखा हुआ है और कितना सजाया है। हम सबको एक ही पर्सनालिटी के साथ, ऊपर वाला अच्छी पर्सनालिटी के साथ दुनिया में लाता है, परंतु उसके अंदर हम चार चांद कैसे लगाते हैं वो हमारी जीवनी जो है वो हमारे काम में दिखाई देती है। वो उन्होंने कमाल किया है, उनका सुबह 4 बजे का उठना और उनका जो अभ्यास और उनकी जो सरलता और जिस प्रेम से उन्होंने जीवन जिया है वो सब उसका लस्टर जो है उनके चेहरे पे दिखता है। एंड आई फाइंड दैट द होल पर्सनालिटी इज सो ब्यूटीफुल। आगे बताऊंगा आपको गोविंदा के शुरुआती दिनों के बारे में, कैसे वो स्टूडियोज जाया करते थे, कैसे लेकिन उन स्ट्रगलिंग डेज में भी बतौर गोविंदा हर जगह मिलता था उन्हें बड़ा प्यार और बड़ा एनकरेजमेंट। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज ट्रूली जिसके लिए कहा जा सकता है द वन एंड ओनली गोविंदा की। तो गोविंदा के जो स्ट्रगलिंग फेज था उन दिनों किसने सबसे ज्यादा उन पर भरोसा किया, ये सवाल पूछा था मैंने गोविंदा से आज से कुछ साल पहले और सुनिए क्या बड़े दिल वाला जवाब था गोविंदा का। मैंने इस बात में अगर ध्यान से देखा जाए तो मुझे ऐसा लगा कि एक आदमी के अंदर एक उसका व्यक्तिगत गुण होता है जिसके अंदर वो सीखने की मंशा रखता है, काम करने की मंशा रखता है, प्रेमपूर्वक स्वभाव होता है, वो सब
वर्क करता है उस पर, तो मैं जहाँ गया मुझे यही माहौल मिला। एक ऐसे माहौल में आ गया जहाँ पर हर कोई जो है मुझे मदद करना चाह रहा था, चाहे वो मैं अपने मामा जी के घर में जो रहा उदय नारायण सिंह जी के, वहाँ से जो मुझे सुबह 5 रुपये मिल जाते थे और मैं वो 5 रुपये लेकर निकलता था घर से, तो 95 पैसे की उन दिनों में चाय होती थी और एक रोटियाँ मैं ले लेता था साथ में, तो जहाँ से एक मक्खन की टिकिया ले लेता था वो मेरा एक मक्खन की टिकिया मेरी हफ्ता भर चलती थी। तो वहाँ से लेकर तो फिर गुफी पेंटल जी के ऑफिस से लेकर, तो रवि चोपड़ा जी के ऑफिस से लेकर, तो अनेक ऐसे जहाँ गया मैं मुझे वहाँ पर प्रोत्साहन मिला, प्रेम मिला, काम मिला, और काम नहीं भी मिला तो वहाँ एक कप चाय मिली। गोविंदा का ये जवाब गोविंदा की शख्सियत को कहीं ना कहीं सम अप करता है। आगे बताऊंगा आपको क्या है आगे के प्लान्स गोविंदा के, और जवाब सुनिएगा उनका जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है शायद उनके जीवन में जितना तब था जब उन्होंने वह उत्तर दिया था मुझे। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए नायक सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बात कर रहे हैं हम आज द वन एंड ओनली ट्रूली इनिमिटेबल गोविंदा की। तो बताऊंगा आपको उनके आगे के प्लान्स के बारे में जो आज भी शायद उनकी लाइफ में उनके जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं, उतने ही रेलेवेंट हैं जितने तब थे जब उन्होंने कुछ साल पहले ये इंटरव्यू दिया था। सुनिए उनका जवाब, बड़ा लाजवाब जवाब है। कलाकार हूँ, कलाकार रहूँगा, शिष्य हूँ, हमेशा शिष्य रहूँगा, और अभ्यास में मेरा यकीन है, जिज्ञासा मुझ में बहुत है, कृपा की आवश्यकता है, उसी की मैं कामना करता हूँ अपने बड़ों से, और कुछ त्रुटियाँ हैं तो उसमें मैं क्षमा मांगता हूँ। तो आई एम श्योर कि ये इंटरव्यू तो कुछ साल पहले रिकॉर्ड किया था मैंने, लेकिन ये जो मंत्र हैं गोविंदा के जीवन के आगे बढ़ने वाले, इन पर वो आज भी कायम होंगे। तो ये थे हमारे आज के नायक, कल आपका परिचय कराऊंगा एक नए नायक से, तो सुनना ना भूलिएगा कल शाम 8 बजे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब खैर।